रहे हैं SPN9 News। SPN9 News में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाया, कमलनाथ को हटाकर यहां पर जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया। आपको बता दें कि कमलनाथ जो कि एक वक्त पर पूर्व मुख्यमंत्री भी यहां रह चुके हैं 15 महीने के लिए, उसके बाद यहां देखा गया कि कमलनाथ लगातार जनसभा में ये कहते नजर आ रहे थे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें इस्तीफा दिलवाने पर मजबूर कर दिया और जिसकी वजह से विपक्षी पार्टी यहाँ काफी ज्यादा पलटवार कर रही है कांग्रेस के ऊपर। इसी बीच आपको बता दें कि जीतू पटवारी नए अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के और मोहन यादव नए मुख्यमंत्री बने हैं। नए नए चेहरों को आगे लेकर आना यहाँ मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा उलझने देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि जीतू पटवारी ने मोहन यादव को सरेआम यहाँ एक धमकी दी है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है, हालांकि इस पर कोई पुष्टि नहीं की जा रही, लेकिन ऐसे यहाँ पर देखा जा सकता है कि मोहन यादव जिस तरीके से नए मुख्यमंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश में अपने ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। यहाँ लाउड स्पीकर को लेकर जो फैसला लिया, दूसरी तरफ यहाँ जो मीट मांस की दुकानों को लेकर उन्होंने जो बदलाव यहाँ पर किए हैं, फिर एक बीजेपी नेता का हाथ काट जाने पर उसके घर आरोपी जो है उसके घर पर बुलडोजर यहाँ चलवा दिया गया, इन सारे एक्शनों से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टी है वो लगातार यहाँ सवाल उठा रहे हैं कि अभी तो सरकार बने यहाँ कुछ ही दिन हुए हैं, हफ्ता भी नहीं हुआ था यहाँ मोहन यादव को सरकार में CM बने हुए, और इस तरीके के ताबड़तोड़ फैसलों से आखिरकार क्या साबित वो करना चाहते हैं? क्या वो मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं? क्या जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज इस वक्त नजर आता है, क्या वही गुंडा राज अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी नजर आएगा? कुछ इस तरीके के सवाल लगातार यहाँ विपक्ष सरेआम पूछता नजर आ रहा है, जिसमें जीतू पटवारी भी अब अपनी यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जिस लिहाज से उनको एक युवा अध्यक्ष पद यहाँ पर दिया गया है उस लिहाज से वो यहाँ पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 News। धन्यवाद।